हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन के अगर अपर लेवल को देखा जाए तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं असेंडिंग एंगल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर की, तो आप इस पॉइंट पर यहाँ पे देख पाएंगे कि बिटकॉइन का जो कल हम लोग लेवल डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ गिरता है तो ये लेवल होल्ड करना चाहिए और यहाँ से बिटकॉइन को पंप करना चाहिए, और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही मूव कराए। लगभग 4.5% का मार्केट ने मोमेंटम लिया है, लेकिन इसी तरीके से मार्केट होल्ड करता है तो आने वाले टाइम में 54,000 और 58,000 दो टारगेट हम इजिली बिटकॉइन में लेके यहाँ पे चल सकते हैं। अगर आप इसको ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट अब फाइनली ऊपर आ चुका है, तो 4 आवर में आपको एक बेटर डील देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि जो इतने टाइम से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था वो कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म के लिए ही भले ही सही लेकिन एंड होता हुआ मिला है। हालांकि ऊपर 60,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अगर बिटकॉइन उसको ब्रीच नहीं कर पाता है तो वहाँ से एक रिजेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट की एक अच्छी स्टार्टिंग है। तो अगर आपने कल का ट्रेड लिया है, वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो आपको अभी यहाँ पे 52,000 पे जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक सेकंड ट्रेड देखने के लिए बिटकॉइन में यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ बात करें तो आरएसआई भी यहाँ पे ऊपर आ चुका है, लेकिन आरएसआई को हम डेली के अंदर देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं कि एक पूरा चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट, और यहाँ से अगर प्राइस जाता है तो फॉलिंग वेज जो हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है वही हम आरएसआई में भी देख पा रहे हैं। एंड मैकडी की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको बड़े हिस्टोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। एंड चांसेस हैवी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर करीबन करीबन 56,000 से 59,000 के रेंजेस को हिट करने के लिए जाए, और उसके बाद वहाँ पे डिसीजन होगा कि क्या वहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है या फिर मार्केट उसको ऊपर तोड़ के जा पाता है। क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है वो हमारे लिए एक्साइटिंग हो सकता है, और चांसेस है कि एंड होते होते महीना हमें लगभग बिटकॉइन 56,000 के आसपास, मतलब कि ये पूरा साल एंड होते होते 56,000 के आसपास देखने को मिले। और एक और एक्साइटिंग चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम को डिक्लाइन कर चुका है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बिटकॉइन के अंदर हमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर प्राइसेस बूम कर जाते हैं, एटीएच बनाते हैं, तो हम सभी लोग यहाँ पे खुश भी डेफिनेटली होने वाले हैं। बाकी अगर आप इसी तरीके का डिटेल में एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर आप यहाँ पर 22% का डिस्काउंट चल रहा है 9 जनवरी 2022 तक। तो अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेल या टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे ब्लैक बार या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो वापस आते हैं बिटकॉइन के ऊपर, एंड बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है। इसी के साथ अगर यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन का जो कल मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया था वो एग्जैक्टली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वेल, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट भी हमें लगभग मिल चुका है और मार्केट इसी तरह जाता है, तो यहाँ पर लगभग आपको 54,000 का टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस फिलहाल में नीचे की तरफ गिर गई है, जिसका मेरा असम्पशन था कि मार्केट 40 तक आएगा, पर यह डोमिनेंस थोड़ी सी ज़्यादा नीचे गिरी है। तो अगर यहाँ पे पैरेलल चैनल फॉर्म हो रहा है, इट्स ओके। अभी फिलहाल में हम लाइन को हल्का फुल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मार्केट गिरा है, लेकिन इतना टाइम में जहाँ पे आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती हुई दिखी है वहाँ पे अल्ट्स ने बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये एक तरीके का फॉलिंग वेज जैसा है जो आपको बिटकॉइन में भी मिला था। गलती से भी अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो बिटकॉइन के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनेगा और अल्टकॉइन वहाँ पर थोड़ा सा सफर करने वाले हैं। लेकिन अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो इट्स माइंड ब्लोइंग। आप देख सकते हैं 17.5 को भी यहाँ पे अब मार्केट ब्रेक कर चुका है। फिलहाल में इस पर हमें ज़्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जस्ट अपना एक रेजिस्टेंस लेवल क्लियर करा है, तो मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर सकता है देन मार्केट को हम 20.9 तक एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाता है देन कहीं ना कहीं वापस से प्राइसेस नीचे की तरफ 16.75 को सपोर्ट क्रिएट करने यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं अभी से एक सपोर्टिव लेवल को लगा देता हूँ कि अगर बिटकॉइन बाय चांस ब्रेकआउट ले लेता है और नीचे की तरफ नहीं जाता डोमिनेंस के अंदर, तो यहाँ पे अल्टकॉइन में एक छोटा सा करेक्शन होगा और उसके बाद आपके बस एक बार फिर से मौका मिलेगा अल्टकॉइन को बाय करने का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मेजर आइडियोज के बारे में जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये आइडियो बेसिकली आ रहे हैं CDFI की तरफ से, और यहाँ पे जो भी करंट आइडियो हमें देखने को मिल जाता है वो मिलता है यहाँ पे पैरेलेक्स। पैरेलेक्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली एक वॉक्सल स्टाइल का VR मेटावर्स गेम है, जहाँ पे कि आप प्लेयर के साथ एंजॉय कर सकते हैं और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसी का अगर इनकी वेबसाइट पे जाएं तो ये बेसिकली मेजर कॉम्पिटिटर है सैंडबॉक्स गेम का। सैंडबॉक्स आप सभी को पता है कितना ज़्यादा फेमस गेम है, और इस प्रोजेक्ट की जो लिस्टिंग है वो 28 दिसंबर यानी कि कल के दिन यहाँ पर होने वाली है, जो कि आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर देखने को यहाँ पर मिल जाएगी।
और यहाँ पे काइवर स्वैप पे भी मिल जाती है, तो आप दोनों ही जगह यहाँ पे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट की बैकिंग बड़ी अच्छी है और अगर आप इस पूरे गेम को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ एयर ड्रॉप्स भी चल रहे हैं सुपर एयर ड्रॉप के नाम पे, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे 10,000, 20,000 और यहाँ पे 20,000 के गिफ्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली अलग अलग आईडियो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, सीडी फाइव स्टार, क्रिस्टल और लॉन्च वर्स के ऊपर, पर मेन हमारे पास सीडी फाइव जिसके ऊपर हम सभी लोग यहाँ पे जाते हैं। और सीडी फाइव पे पार्टिसिपेट करना बड़ा ईजी है, बस आपको अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है, जैसे आप मेटामास्क यूज करते हैं तो मेटामास्क कर सकते हैं, और आपका जो वॉलेट है वो बेसिकली बीएससी चेन के ऊपर होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप बीएससी चेन को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसका आईडियो भी लाइव है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन सीडी फाइव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पे टायर सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है, तो यहाँ पे अलग अलग टायर सिस्टम है। टायर वन में आपको 1.2% मिलेगा पूल का वेटेज, जहाँ पे कि लॉटरी बेस होगा। टायर टू में आपको यहाँ पे वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है और यहाँ से गारंटी एलोकेशन आपको मिलने लगता है। और यहाँ पे सभी टायर के अंदर आपको कुछ टोकन यहाँ पे होल्ड करने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टायर वन की, तो यह है 250 S1, टायर टू की बात करें तो 1K, टायर थ्री की बात करें तो 2.5K, और इसी तरीके से अगर आप टायर नाइन तक आते हैं तो आपको 100K यानी कि 100,000 टोकन को होल्ड यहाँ पे करना पड़ता है, जिसके हिसाब से जो वेटेज है वो यहाँ पे आपको अलग अलग मिलता है और गारंटी लोकेशन टायर टू से आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता है। तो यहीं पे बात करते हैं इस गेम के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया पैरालेक्स इस गेम का नाम है, और ये जो गेम है बेसिकली एंडलेस मेटावर्स को आपको यहाँ पे ऑफर करता है, जिसके अंदर आप जा सकते हैं और यहाँ पे कल्टिवेट कर सकते हैं एंडलेस सोसाइटी को, एंटरटेनमेंट, गेमिंग और इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, तो आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इनका बेसिकली यहाँ पे गेम है फाउंडेशन गेम, जो कि आपको पैरालेक्स क्राफ्टिंग के अंदर हेल्प करेगा, और इसके अंदर बेसिकली आप NFTs को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और आप एक तरीके से पूरी दुनिया को यहाँ पे फॉर्मेट भी यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको इवॉल्विंग एडवांस AI का सिस्टम मिलेगा, जो कि आपको कॉपीराइट से यहाँ पे बचाएगा, तो आपका जो NFT का इशू होता है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और NFT आप देख सकते हैं सॉइल, स्टोन, वुड अलग अलग आपको मिलती है, जिससे कि आप पूरा की पूरा क्राफ्ट कर सकते हैं और एक अपना यूनिवर्स बना सकते हैं, अपने लिए सारी चीज़ों को बिल्टअप कर सकते हैं इस गेम के अंदर। इसी के साथ इनके कौशल गेम्स भी होंगे, तो कौशल गेम का मतलब है पे आप इजी प्ले कर सकते हैं और इजीली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर मान लीजिए आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप सारी चीजें बिल्टअप करने जाएं, तो आप इन गेम से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और इन गेम को खेल के यहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। और इनका जो टोकन है रहेंगे वो बेसिकली इस एक्टिविटीज़ में हेल्प यहाँ पे करेंगे। तो इनका पहला जो गेम है वो है यहाँ पे लॉगिन, जो कि बेसिकली कमिंग सून है, लेकिन ये कॉजल गेम सीरीज़ का ही पहला यहाँ पे गेम होने वाला है, जिसके अंदर आप जा सकते हो और अपने लिए सारी चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं। ये मेथड आप यहाँ पे ट्रीज़, मैप और रूल्स को भी आराम से यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे। इसी के साथ बात करें बैकर्स के बारे में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काइबर नेटवर्क ने इनको बैकअप करा है, OKX के ब्लॉकचेन वेंचर ने इनको बैकअप कर रखा है, और बाकी के आप यहाँ पे नाम पढ़ ही सकते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, पर मून कैपिटल, OKX वेंचर, काइबर, ये आपको बड़े बैकर्स इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलते हैं। एडवाइजर में सबसे अच्छा लगा कि जो मिस्टर हैरी हैं वो 28 ईयर का उनको बेसिकली एक्सपीरियंस है गेमिंग इंडस्ट्री का, तो समझ सकते हैं कि गेम कितना ज़्यादा बैटर यहाँ पे बनाया गया। बाकी के बिन के एडवाइजर और टीम मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस तरीके का आपको कुछ गेम का यहाँ पे लेआउट देखने को मिलेगा जैसे ही गेम यहाँ पे लॉन्च हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वॉक्सल टाइप की चीज़ें देखने को बेसिकली मिलने वाली हैं। तो इसकी बेसिकली अभी सी डी फाइव पर आप कह सकते हैं करंटली यहाँ पे रेजिंग चली रही है और आप देख ही सकते हैं, तो आप अप्रूव करके अगर आप इसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं, जहाँ पे 0.01 BUSD मिनिमम और $2,066 का मैक्सिमम अलोकेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे 1 BUSD में 25 PRL टोकन्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह बात करें तो सीडी फाइव पे जो दूसरा बेसिकली आ रहा है यहाँ पे आईडियो वो है वर्ल्ड ऑफ डी फिश का, जो यहाँ पे कि आपको डिसेंट्रलाइज NFT फिशेस देखने को मिलती है, यानी कि अंडर वाटर क्रिएचर्स का जो यूनिवर्स है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप फिश कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और अर्न भी यहाँ पे कर पाएंगे। अलग अलग जो NFTs हैं वो आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी। तो सिंपल सा है, प्ले टू अर्न गेम है, आप खेल सकते हैं, कमा सकते हैं इस गेम के अंदर। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप बेट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं कलेक्शंस को, स्टेक कर सकते हैं पैसिव अर्निंग के लिए, और साथ ही साथ मार्केट प्लेस पर सेल भी इसको यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी इनके कुछ मेजर फीचर्स हैं जैसे कि रैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे कि आप दूसरे जो भी प्लेयर्स हैं उनका कॉम्पिटिव करेंगे और आपकी रैंकिंग को हिसाब से आप अपनी स्किल्स के हिसाब से चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। क्राफ्टिंग मैकेनिज्म है, अगर आप नहीं लगा सकते पर आप टाइम दे सकते हो गेम खेलने में, तो आप टाइम भी दे सकते हो लाइक अ स्कॉलरशिप जो कि आपको मिल जाता है। गिल्ड सिस्टम है, जहां पे कि आप कम्युनिटी बिल्ड करोगे, और डीफाई के जो ब्रांड है वो यहां पे अपसाइड में रहने वाला है। इसके साथ इनके और भी फीचर्स हैं, आइटम, गियर, रेयरिटी, क्वालिटी, तो जो भी NFT होंगे वो इन सभी का मिक्सचर यहां पे होने वाला है, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इवन रेट यहां पे इनका मार्केट प्लेस होगा, जहां पे कि आप NFT को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और गेम खेल के जो भी NFT आपको मिलेगी
वो इनके मार्केट प्लेस में यहाँ पे जाने वाली है। रोड मैप आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, क्वार्टर फोर 2021 में भी सारी चीज़ चल रही है, जहाँ पे कि डेमो गेम लॉन्च होने वाला है। और क्वार्टर वन से बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव गेम, रैंकिंग सिस्टम, टूर्नामेंट्स, ग्राफिक सिस्टम ये सब मिलेगा। और क्वार्टर टू में आपको जाकर यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड यहाँ पे हो जाएंगी। अगर टीम की बात करें तो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि आप कर सकते हैं। एडवाइजरी के अंदर बात करें तो ओरियन ड्रैप आपको देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं एडवाइस करा हुआ है। और इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इन्वेस्टर मिलेंगे। आप नीचे देख सकते हैं ओके एक्सपूल है, ट्रेंट है, और इवन दैट हमें get.io भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक उनका भी लोगो यहीं कहीं पे होगा। तो जैसे जैसे आप इन्वेस्टर्स हैं आप डायरेक्टली वेबसाइट पे आके यहाँ पे देख सकते हैं। और एस्ट्रोइड कैपिटल हमें मिलता है, सारी चीज़ें इस पॉइंट पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे गुड गेम गिल्ड्स की जो लैब की टीम है वो भी बेसिकली इसके साथ यहाँ पे वर्क भी यहाँ पे कर रही है। और अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो सारे लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इनके आइडियाज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनका जो बेसिकली आईडियो यहाँ पे होने वाला है उसकी अभी इन्फॉर्मेशन अनाउंस नहीं हुई है, TBA है, यानी टू बी अनाउंस। और 22 घंटे में इनका भी आईडियो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारे जो आइडियो ये बेसिकली हमें CT5 पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टायर सिस्टम आपको मिलेगा। और टायर सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे आप टोकन होल्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्रीज देखने को मिलने वाली है। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। हमने बात कर ली है बिटकॉइन की और बाकी सारी चीज़ों की। इथेरियम की हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इथेरियम के जो फॉलिंग वेज है वो बेसिकली ब्रेक हुआ है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इथेरियम कहीं ना कहीं इस पोजिशन के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि लगभग एक इस तरीके का ही ट्रायंगल या फिर फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, जिसका ब्रेकआउट अगर मार्केट कर लेता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं 4400 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। एंड क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे बुलिश है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम इसके नॉर्मल चार्ट सेट के CME चार्ट को देखें तो वो आपको फॉलिंग वेज का पूरा एकदम प्रॉपर देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम का फॉलिंग वेज ब्रेकआउट और इस बार का वापस ही वो ब्रेकआउट हमें इस पॉइंट पर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर हम इथेरियम की यहाँ पर बात करते हैं इस पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे EMA/1 के हिसाब से सपोर्ट भी देख पाएंगे। तो 4 आवर के अंदर कहीं ना कहीं प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे ही इसका $4,150 का लेवल ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे $4,400-$4,450 को इथेरियम टेस्ट करने के लिए यहाँ पे फिर जा सकता है और बिटकॉइन उसका साथ देगा। आप सभी को पता है कि प्राइजेस और ज़्यादा हाई देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन बेसिकली अपने सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाए, जिस सपोर्ट की हमने बात करी थी थोड़ा सा नीचे है, तो हम दोबारा से वेट कर लेते हैं। अगर स्टॉप हिट हो गया होगा तो कोई बात नहीं हुआ है तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट यहां पे आके थोड़ा सा होल्ड करें, देन हम वापस से बुलिश हो सकते हैं। और $175 के लिए लाइटकॉइन को बेसिकली यहाँ पे होल्ड हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने कल एक अच्छा ड्रॉप दिया था, लेकिन आप थोड़ा देखेंगे कि ये ड्रॉप एकदम एक्जैक्टली हमें 20.8 के आसपास नहीं मिला, थोड़ा से ही यहाँ पे ड्रॉप आया मार्केट में, वापस मार्केट बूम कर चुका है। तो अगर आप चेन लिंक को थोड़ा देख रहे थे तो आई थिंक यहाँ पे आपने लगभग 14% के आसपास का मोमेंटम कैच किया होगा। और यहाँ पे जो टारगेट है वो $26 के आसपास अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा सा मार्केट ने इसको मैं डराया था, डेफिनेटली प्राइसेस नीचे की तरफ आए थे, लेकिन अब फाइनली अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक आपको वेज जैसा देखने को मिला है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप हाइट की बात करते हो तो अराउंड यहाँ से मार्केट $580 के आसपास इजली जा सकता है, और $600 तक का टारगेट मैक्सिमम मार्केट लेके यहाँ पे चल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो मैंने आपको जो शोल्डर के बारे में बताया था, फाइनली उसने यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करा है और यहाँ पे हमें जंप ऑफ देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे $1 तक के टारगेट को लेकर यहाँ पे भी चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। नियो को भी एक बहुत अच्छा बेस मिला है और टारगेट स्टिल अभी 31 के आसपास है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रेड अगर आपने लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया मिस हो गया, तो 31 के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो दोबारा हम डिस्कशन वीडियो के अंदर यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट फाइनली दोस्तों $33 का टेस्ट करने जा रहा है, जो कि हमारा टारगेट था इस पोजीशन के अंदर। तो अगर आपने ट्रेड ले लिया, वेल एंड गुड, नहीं लिया है अब वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई रिजेक्शन आएगा या फिर इसको ब्रेक करता है मार्केट, देन हम लोग टारगेट फिर $38 का सेट करके चलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपर एक परफॉर्मेंस दी है, तो वापस हम लोग डॉट के चार्ट पे आ जाते हैं। और ये परफॉर्मेंस में अगर थोड़ा भी प्राइस वापस 31 के आसपास आता है, देन हम रीएक्वायरेशन के बारे में डॉट के अंदर भी यहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में, जिसका सपोर्टिव लेवल मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा प्राइस उससे डेफिनेटली नीचे गया है 445। अगर आपका स्टॉप हिट हुआ है तो कोई बात नहीं, दोबारा से प्री एंट्री कर सकते थे। और अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड डल, यहाँ पे जो मार्केट है वो 4% अप है और जो हमारा टारगेट है 492 का, वो जल्दी यहाँ पे हिट भी हो सकता है। तो थोड़े से बस ऐसे रहते हैं मोमेंटम, जहाँ पे हल्का फुल्का प्राइस अप डाउन रहता है, तो अगर आपने सेफ जगह स्टॉप लॉस रखा है तो बच जाएंगे। और अगर थोड़ा पास रखा था कोई बात नहीं, एक आध अगर स्टॉप हिट भी होता है तो हम दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। हालांकि सीधा उड़ा है, इसने री एंट्री का मौका नहीं दिया है, बट किसी भी कंडीशन में अगर दोबारा कोई री एंट्री बनती है अराउंड $460, तो वहाँ पर हम रख के $490 के
टारगेट के लिए बिटकॉइन कैश में जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में, एंड सोल बढ़िया जा रहा है, हमारा पहला टारगेट 210 का, दूसरा 240 का, तो उसका भी हम लोग वेट यहाँ पे करने वाले हैं। दोबारा री एंट्री अगर आपको चाहिए तो 195 से 197 के बीच में मिल सकती है, वहाँ पर आप एंट्री इसके लिए जा सकते हो, एंड स्टॉप लॉस आप 188 के नीचे फिर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कॉइन है कार्डेनो, एंड फाइनली दोस्तों कार्डेनो ब्रेकआउट कर गया है। यहाँ पे जो थोड़ा सा करेक्शन था वो मार्केट में हमें डेफिनेटली देखने को मिला, पर इसका फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट अगर इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करें ऊपर या नीचे की तरफ, इन दोनों एरिया में से, तो मार्केट यहाँ पर कम से कम 1.7 को टेस्ट करने जा सकता है। जल्दबाजी में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने जैसे अभी अभी शूटअप लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले से कूद जाएँ। और एक अच्छी बात जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताई थी कि मे बी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे इस हेड एंड शोल्डर को रिस्पेक्ट करे जो कि 26% का है, और अगर मार्केट यहाँ से 26% का मोमेंटम आपको देता है तो अप्रोक्स मार्केट यहाँ पे 1.88 डॉलर को टेस्ट करने यहाँ पे जा सकता है। तो अगर आप कार्डिनो में जाना चाह रहे हो तो इसको पहले बेस पे आने दो थोड़ा नीचे, ताकि आप प्रॉपरली एक स्टॉप लगा सके, और स्टॉप भी लगभग 1.3 के नीचे होना चाहिए ताकि आपको सही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल पाए। तो बस दोस्तों इतने ही थे कॉइन, अब हम चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज के दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है इंडियन पुलिस कमिश्नर की तरफ से, जो कि हैदराबाद से यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ने हमें एक कह सकते कि वार्निंग जहाँ पे जारी करी है क्रिप्टो फ्रॉड के कारण। और बेसिकली ये है कमिश्नर ऑफ पुलिस शिखा गोयल जी, जिनका वीडियो आप चाहें तो यहाँ पे इनके खुद के ट्विटर अकाउंट पर जाके भी चेक कर पाएंगे, जिसमें इन्होंने बेसिकली ये बताया कि आपको किसी भी फ्रॉड में नहीं पड़ना है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी के प्राइवेट वॉलेट में पेमेंट नहीं करना है। आप जो भी पेमेंट करते हो या कुछ करते हो उसमें अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, उसके KYC या कुछ कंप्लीट हो तो ही आप उसको पेमेंट करो ताकि उसको ट्रेस करा जा सके। एंड ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो कि हम अगर ध्यान रखें तो फ्रॉड का शिकार होने से यहाँ पर बच सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं वही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको कोई ललचाने वाली हैं, लेजिमेंट बैंकिंग ट्रांसफर या क्रिप्टो करेंसी इलेजिमेटिक, तो वो चीज़ों से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, और इसी के बारे में सारा यहाँ पर बताया गया है। तो ये के अच्छा लगा कि पुलिस यहां पे अवेयरनेस का काम कर रही है, और अगर इसी तरीके से करते हैं तो सभी लोगों को धीरे धीरे और ज्यादा चीजें क्लियर यहां पे हो जाएंगी। अगले दोस्तों पे बात करें तो ये दोस्तों एक और आइडिया आ रहा है सोलेनियम की तरफ से, और ये है सोलाइस, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप है बेसिकली सोलाना के ऊपर, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करेगा। VR मेटावर्स का सोलाना का पहला प्रोजेक्ट यहां पे होने वाला है, जिसकी वाइट लिस्ट यहां पे स्टार्ट हो गई है, 1 घंटा 20 दिन में खत्म होगी। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पे स्लीम को स्टेक करना होता है, तो स्टेक के अलग अलग टायर्स हैं, जैसे कि ये वाला टायर है 3, ऐसे यहाँ पे टायर 2 टायर 1 अलग अलग स्लीम्स हैं। जितने ज़्यादा स्लीम करेंगे उतने ज़्यादा आपको लॉटरी टिकट्स मिलती है, और उसके हिसाब से आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बाकी गारंटी एलोकेशन यहाँ पे टायर 5 और टायर 4 से आपको स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कि 10,000 और 50,000 स्लीम आपको रखने पड़ते हैं। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, फैंटम सॉल्फेयर सॉलेट जो भी आपके पास वॉलेट है, और उसके थ्रू यहाँ पर फिर आप जा सकते हैं। बाकी अगर इस गेम की बात करें तो ये आपको सोलाइस का गेम देखने को मिलता है मेटावर्स का, जो कि क्रॉसचेन के ऊपर बिल्टअप है, पहला आपको गेम देखने को मिलता है जहां पे आपको VR मेटावर्स सोलाना ब्लॉकचेन पे देखने को यहां पे मिल जाएगा। तो आप यहां पे जाके प्ले कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। इन्वेस्टर की बात करें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, डीफाई कैपिटल, 3 एरो और एनोमिको ब्रांड, जिनके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले। नीचे की तरफ देख सकते हैं gate.io, अलमिंडा रिसर्च, सोलेनियम वेंचर, कूकॉइन लैब्स, मार्वल वेंचर्स, तो बड़े बड़े वेंचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स आप यहाँ पे कह सकते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। सबसे पहले गेम क्या है, तो वर्चुअल रियलिटी का पूरा गेम है, VR में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कि आप VR के अंदर ही सारे इन्जॉयमेंट करेंगे, फुलनेस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्रिएट कर पाएंगे, कलेक्ट ट्रेड और एक्सप्लोर कर सकते हैं 3D असेट, जो कि आपको VR मेटावर्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप VR के लिए वेट कर रहे थे तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो सकते हैं। लैंड की सेल है तो यह बेसिकली अपकमिंग है, बट आप यहाँ पे अपना एक पैराडाइज बना सकते हैं, पैराडाइज को खरीद सकते हैं, और लैंड सेल्स बेसिकली आपको इस पोजिशन में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी प्राइस के अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसका जो बेसिकली आइडिया है वो हो रहा है यहाँ पे सोलेनियम के ऊपर, यहाँ पे कि जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को स्टडी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे सही लगता है। इसके बाद बात करें तो इसका टोकन प्राइस है 0.07 USDC, क्योंकि USDC बेसिकली सोल चेन के ऊपर ही वर्क करेगा। बहुत ज़्यादा माइन्यूट फीस में आप यहाँ पे कर सकते हैं, हार्ड कैप ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 लाख के आसपास का हार्ड कैप इनका होने वाला है। वास्टिंग यहाँ पर रहेगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, और इसी प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि रोड मैप, टीम क्या है, और बाकी का इनके पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन से आपको मिलते हैं, टोकनॉमिक्स एंड यहाँ पर जो वास्टिंग शेड्यूल है वो किस तरीके से वर्क यहाँ पे करने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन के आपको जितनी भी लिंक्स हैं वो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आज की दोस्तों आखिरी न्यूज़ की बात करें तो ये बेसिकली आ रही है कोलंबिया की तरफ से, और कोलंबिया में अब यहाँ पे रियल इस्टेट को बेसिकली अलाउ कर दिया गया है कि यहाँ पे एक्वायर करा जा सकता है बिटकॉइन पेमेंट मेथड के थ्रू। तो हम देख रहे हैं कि जो साउथ अमेरिका का
जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा खुल के आ रही है और बिटकॉइन को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रही हैं, खासतौर पर ऐसी कंट्रीज जो थोड़ी सी छोटी हैं और अमेरिका के दबदबे या उसके नीचे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। तो इनका एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ला हाउस, तो बेसिकली उसके थ्रू होगा और बिटकॉइन के पेमेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं, जहाँ पे कि जो रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं सेंत्रा मेंत्रा के अंदर, जिसको यहाँ पे नेटोरा सिटी भी बेसिकली कहा जाता है, तो वहाँ पर इसकी डील्स होने वाली है। फॉरेनर्स कर सकते हैं कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम होगा और आई थिंक यहाँ पर बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ करा जाएगा ताकि 100% बिटकॉइन में बाय हो सके और तुरंत ट्रांजेक्शन हो सके और बहुत ज़्यादा कम फीस बिटकॉइन के अंदर हमें लगती है यहाँ पे मिले। तो ये हमारा फ्यूचर ही है, आने वाले टाइम में बिटकॉइन बहुत कॉमन हो जाएगा 5 से 10 साल के अंदर, तब फिर आप चाहे प्रॉपर्टी लें, सब्जी लें, भाजी लें, आपको सब बिटकॉइन में यहाँ पे फिर मिल सकता है। सो दोस्तों वीडियो आप सभी यहाँ पे पसंद होगी, दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाइए चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। बाकी अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।